रहे हैं लाइव सेवन। नमस्कार, लाइव सेवन विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे कि टाइगर जयराम की पार्टी किसका बिगाड़ेगी खेला, या कहीं टाइगर जयराम की पार्टी के साथ ही तो नहीं हो जाएगा खेला। जी हाँ, जिस तरह से टाइगर जयराम की पार्टी JLKM ने झारखंड की 14 में से 8 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, प्रत्याशियों को उतारा है, उसके बाद से ये चर्चा आम है कि क्या एक क्षेत्रीय पार्टी जिसका जन्म महज 2-2.5 वर्ष पहले हुआ हो, वो लोकसभा चुनाव में इतने बड़े पैमाने पर कैंडिडेट को उतारती है, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो उसका आधार क्या होता है, वो किस आधार पर वो पार्टी जो है इतने कैंडिडेट को उतार रही है। अगर आप देखें तो INDIA गठबंधन, जो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है देश की, वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। झारखंड की सबसे मजबूत पार्टी अभी के समय में अगर आप देखेंगे विधानसभा चुनाव परिणाम के हिसाब से, तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। उसके 5 कैंडिडेट मैदान में आते हैं, RJD के 1 कैंडिडेट मैदान में आते हैं, लेफ्ट यानी भाकपा माले के 1 कैंडिडेट मैदान में आते हैं। जो देश की सबसे बड़ी पार्टी अभी है, और लोकसभा चुनाव में जिसका रिकॉर्ड 2009 से ही अगर आप देखेंगे झारखंड में, 2009 से लेकर 2019 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का ट्रेड रिकॉर्ड जो है वो सबसे ऊंचा है। सबसे ज़्यादा सीटों पर वो उसके सांसद है, 11 सीटों पर 2019 के चुनाव में उसके सांसद हैं। उसके सहयोगी को अगर मिला लेते हैं तो 12 सीटों पर उसके सांसद हैं, और अगर 2014 के चुनाव को देखते हैं तो 12 सीटों पर अपने बूते भारतीय जनता पार्टी 14 में से 12 सीटें जीतती है। तो जाहिर है ऐसे में राजनीतिक गलियारे में चर्चा तो होगी कि भाई आखिर क्या है, टाइगर जयराम की सोच क्या है, टाइगर जयराम किस रणनीति के तहत 8-8 कैंडिडेट को मैदान में उतारे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं, चर्चा ये भी हो रही है राजनीतिक गलियारे में कि जो जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर टाइगर जयराम ने कैंडिडेट दिए हैं, कहीं वो वोट कटवा तो साबित नहीं हो रहे हैं। अगर आप जितने भी कैंडिडेट हैं उसको देखेंगे, आप गौर कीजिएगा, हजारीबाग में संजय मेहता को कैंडिडेट बनाया गया है। संजय मेहता को लोग जान रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, पार्टी जो JLKM जो उससे पहले झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो थी उसके तहत भी वो काम कर रहे थे, उनको लोग जान रहे हैं। कुशवाहा जाति से आते हैं, चतरा से दीपक गुप्ता को दिया गया है। दीपक गुप्ता के बारे में उनके पार्टी के ही बहुत लोग नहीं जानते हैं, जो बातचीत के क्रम में चर्चा क्रम में बातें सामने आती है उनको नहीं जानते हैं। इसके बाद गिरिडीह में जयराम महतो, जाहिर है सभी लोग उनको जानते हैं, और बड़ी बात यह भी है जो जयराम महतो पहले मोटरसाइकिल से घूमते थे, अब उनके पीछे कारों का भी काफिला चलने लगा है, चुनाव लड़ रहे हैं और त्रिकोण बनाए हुए हैं वहां पर, मजबूत प्रत्याशी के रूप में उनको देखा जा रहा है गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में। तो टाइगर जयराम को तो सभी लोग जान रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने स्थानीय नीति का, भाषा आधारित स्थानीय नीति, खतियान आधारित स्थानीय नीति, भाषाई विवाद, जो इन सारे चीज़ों पर जो चीज़ें चल रही थी, जो बातें आ रही थी, उस पर जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया था, उसके बाद 2022 से वो झारखंड की राजनीति में सुर्खियों में आए हैं और पहली मर्तबा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सामने अगर आप देखेंगे तो उनके सामने दो दो दिग्गज हैं, एक आसू के जो भाजपा समर्थित आसू प्रत्याशी हैं उसके चंद्रप्रकाश चौधरी जो अभी वहाँ सांसद हैं गिरिडीह में, दूसरे 3 बार के विधायक और महतो जाति में अच्छी पकड़ रखने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा प्रसाद महतो। बहरहाल आगे देखते हैं, कोडरमा में मनोज यादव को, ये भी छात्र आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हालांकि जो भी आंदोलन होता है छात्रों से संबंधित उनको आप इसमें देख सकते हैं, या नियुक्ति से संबंधित जो भी आंदोलन होते हैं मनोज यादव उसमें दिख जाते हैं, उनको कोडरमा से प्रत्याशी बनाया गया है। दामोदर सिंह हांसदा को सिंहभूम से प्रत्याशी बनाया गया है। इनके बारे में भी है कि दामोदर सिंह हांसदा को भी उतने अच्छे तरह से लोग नहीं जान रहे हैं, और उतने बड़े पैमाने पर नहीं जान रहे हैं जिस पैमाने पर नाम जयराम महतो का है, या उससे कुछ कम अगर आंकते हैं हम संजय मेहता का नाम या फिर मनोज यादव का नाम, उस लेवल पर इनका नाम नहीं है। इसके बाद हम रांची संसदीय सीट पर आते हैं, तो रांची संसदीय सीट में देवेंद्र नाथ महतो को टिकट दिया गया है। देवेंद्र नाथ महतो को JLKM ने टिकट दिया है। तो देवेंद्र नाथ महतो भी
महतो जाति से हैं और महतो जाति का वोट रांची संसदीय सीट में है, सिर्फ ये कह के अगर उनको वो टिकट दिया गया है तो ये भी आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे की रणनीति क्या रही होगी। दुमका में बेबी लता टुड्डू को दिया गया है टिकट, बेबी लता टुड्डू के बारे में भी बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन चौंकाने वाला टिकट धनबाद से है, जहां पर कि जेएल कैंप के पास दो चेहरे थे जिसे लोग जान रहे थे। वो दो चेहरे थे, एक रिजवान का नाम था वहां पर जिसको लोग जान रहे थे, जेएल कैंप में जिस तरह से आंदोलन चल रहा था, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का जो पहले जयराम की जो का जो संगठन था उसमें जो नाम चल रहा था रिजवान को लोग जान रहे थे, अल्पसंख्यक समुदाय से भी आते हैं। इसके बाद करण महतो, दो एक ऐसे दो नाम थे धनबाद में जिसको लोग जान रहे थे, लेकिन वहां से इखलाक अंसारी को टिकट दिया गया है, इखलाक अंसारी को मैदान में उतारा है। और जब से इखलाक अंसारी के नाम की घोषणा हुई है, यानी 10 दिन पहले ये नाम की घोषणा हुई है, और उसके बाद से जिस तरह से कई तरह के चर्चाओं के बाजार गर्म है धनबाद संसदीय सीट में, कहा तो ये जा रहा है कि जानबूझकर किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कि अल्पसंख्यक का वोट बटे, इखलाक अंसारी को वहां से टिकट दिया गया है। 2 दिन पहले मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही नहीं जानते हैं कि इखलाक अंसारी कौन है। ऐसे में इखलाक अंसारी को टिकट देकर जयराम महतो क्या कुछ दर्शाना चाहते हैं या उनकी पार्टी क्या कुछ रणनीति लेकर काम कर रही है, ये वही जानेंगे। लेकिन अब इन सीटों के बारे में अलग अलग ढंग से हम विस्तृत चर्चा करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कितनी मजबूत है, क्या खेला बिगाड़ेंगे जयराम महतो या खुद का खेला जयराम महतो का बिगड़ेगा इस चुनाव में, ये स्पष्ट हो जाएगा। बात शुरू करते हैं रांची संसदीय सीट से। रांची संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ हैं जो सांसद भी हैं, अभी उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यशस्विनी सहाय का नाम आ गया, जो पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय की पुत्री हैं, उनका नाम आया है। और उस जगह रांची संसदीय सीट से जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने जो टिकट दिया है देवेंद्र नाथ महतो को। तो देवेंद्र नाथ महतो वो उस तरह का चेहरा नहीं है जिसको कि लोग कह सके, लोग जान सके। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। रांची संसदीय सीट में महतो जाति की संख्या है, ईचागढ़ हो या फिर सिल्ली हो, इस एरिया में महतो जाति की संख्या, महतो बहुल क्षेत्र है और लगभग 14-15% मतदाता महतो समुदाय से आते हैं रांची संसदीय सीट पर। अगर ये सोच के टिकट दिया गया है तो ये सोच इसलिए भी नहीं चल पाता है क्योंकि रामटहल चौधरी महतो होते हुए भी सुबोध कांत सहाय से वो चुनाव हार चुके हैं, एक बार नहीं दो दो बार चुनाव हार चुके हैं रामटहल चौधरी, वो भी महतो जाति से ही आते थे। तो ऐसा नहीं है कि एक जाति बहुल का अगर 14-15% अगर वोट होता है तो उसको टिकट दे देने से वो कैंडिडेट निकल सकता है, वो ऐसा जाना पहचाना नाम भी नहीं है। तो यहां पर किसका खेला बिगाड़ने के लिए आए हैं जयराम महतो, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। चतरा सीट की बात करते हैं, दीपक गुप्ता को टिकट दिया गया है। दीपक गुप्ता को चतरा के ही लोग नहीं जानते हैं, मैंने अपने संवाददाता से ही बात किया, वहाँ के जो हमारे संवाददाता हैं उनसे बात किया, उनको भी पता नहीं है, बोले हाँ है कोई इस तरह का नाम है लेकिन जानते नहीं हैं। कई अन्य जो मीडिया संस्थान है उसके भी सीनियर लोगों से मैंने बात की तो उसमें भी वो नाम सामने नहीं आया। और इस टिकट के देने के पीछे जो है पार्टी के केंद्रीय महासचिव के बारे में भी सवाल उठ रहे थे, केंद्रीय महासचिव ने जो जारी किया था अपने हस्ताक्षर से नाम जारी किया था और दीपक गुप्ता को जो टिकट दिया गया था उसको लेकर के भी चर्चा हो रही थी। हजारीबाग में संजय मेहता को दिया गया, संजय मेहता कुशवाहा जाति से आते हैं। हजारीबाग संसदीय सीट में अगर आप देखेंगे तो कोयरी और कुर्मी ये दो वोट जो हैं ओबीसी में हैं, इसकी संख्या अधिक है, कोयरी कुर्मी और वैश्य की संख्या है वहां पर। कुर्मी जाति से कांग्रेस के प्रत्याशी जेपी पटेल हैं, वैश्य जाति से भाजपा के प्रत्याशी मनीष जायसवाल हैं और संजय मेहता जो कुशवाहा जाति से हैं, कोयरी जाति से हैं, उनको जो है टिकट दिया गया है। संजय मेहता के नाम को लोग जान रहे हैं, संजय मेहता जाना पहचाना नाम है जेएलकेएम का, और खास करके जब झारखंडी भाषा
संस्कृति संघर्ष जो स्थानीय नीति वगैरह को लेकर के जो आंदोलन चल रहा था उस समय इनका नाम सामने आता था, लोग इनको जान रहे थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि संजय मेहता कितना कुछ कर पाते हैं, कितना कुछ उनका जो है सो वो उस सीट पर प्रभावी हो सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, या फिर वो भी एक तरह से वोटकटुआ वहां पर साबित होंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। मनोज यादव को ये कह के दिया गया है कोडरमा संसदीय सीट में यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है, जितने भी मतदाता हैं उसमें यादवों की संख्या है, उसके बाद कुशवाहा जाति की संख्या है वहां पर, और तब भूमिहार जाति की संख्या है। इस आकलन के साथ वहां से मनोज यादव को दिया गया है। वहां की जो सांसद हैं और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, वो भी यादव जाति से आती हैं, और पिछला रिकॉर्ड जो उनका रहा है 4,55,000 से ज्यादा वोट से जीतने का, उसमें बहुत बड़ा योगदान अगर देखा जाए, क्योंकि भाजपा का सबसे मजबूत किला अगर झारखंड में कहेंगे, सबसे ज्यादा बार के सांसद अगर भाजपा में कहेंगे, तो वो जनसंघ के काल से ही कोडरमा संसदीय सीट रहा है, और वहां पर अगर भाजपा को 4,55,000 का जो रिकॉर्ड है, कभी इतने मतों से जीत भाजपा की नहीं हुई थी, जो अन्नपूर्णा देवी जब RJD छोड़कर भाजपा में आई और भाजपा ने उन पर विश्वास जताया, टिकट दिया था, तो 4,55,000 से ज़्यादा वोटों से वो चुनाव जीती थी। वजह साफ था कि यादवों का जो वोट था वो एकमुश्त जो पहले बढ़ता था RJD के खाते में, जाए RJD समर्थित प्रत्याशी के खाते में भी जाता था, वो वोट सीधे तौर पर अन्नपूर्णा देवी के तरफ जो है सो ग्लोबलाइज हो गया, मोबलाइज हो गया, और उसके बाद नतीजा जो हुआ, जो 2014 के चुनाव में रविंदर राय 80-85,000 वोट से चुनाव जीते थे, उस जीत का रिकॉर्ड जो है सो 4,55,000 वोट से ज़्यादा का हो गया। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो पैठ अन्नपूर्णा देवी की, खास करके वो लगातार 4 मरतबा सांसद रह चुकी हैं कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से, बरकट्ठा और कोडरमा विधानसभा में उनको रिकॉर्ड मत मिले हुए थे, शायद इससे पहले किसी भी नेता को लोकसभा चुनाव में इस दो विधानसभा से इतने मत प्राप्त, एक प्रत्याशी को मत प्राप्त नहीं हुए थे, वो मत उन्होंने हासिल किया था, और इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में, बरकट्ठा हो या फिर कोडरमा हो, दोनों में ही यादव जाति की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनका समर्थन पूरी तरह से अन्नपूर्णा देवी को पिछले चुनाव में मिला। अब सवाल उठता है कि मनोज यादव उसमें कितनी सेंधमारी करेंगे। अगर पिछले चुनाव में आप देखेंगे तो माले से राजकुमार यादव भी खड़े हुए थे, वो तीसरे पायदान पर थे, 60-65,000 वोट ला करके वो तीसरे पायदान पर थे, वो भी यादव जाति से थे, लेकिन जो यादवों का वोट मोबलाइज हुआ था, यादवों का वोट जो एक तरफा गिरा था, वो अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में गिरा था, जिसका परिणाम सामने आया था कि उस चुनाव में वो 4,55,000 से ज़्यादा वोट से जीती थी। अब जयराम महतो की जो कैंडिडेट है मनोज यादव, वो क्या गुल खिलाते हैं यहाँ पर, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि युवा हैं, देखते हैं आगे उनका क्या होता है। आगे अगर हम बात करते हैं दामोदर सिंह हांसदा का, जिनको सिंहभूम से टिकट दिया गया है, दामोदर सिंह हांसदा हो जनजाति से आते हैं, और सिंहभूम में अगर आप देखेंगे तो हो जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है, जनजाति बहुल क्षेत्र है, 60% से ज़्यादा जनजातीय की संख्या है सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में, 6 विधानसभा आते हैं, 6 की 6 विधानसभा रिजर्व है वहाँ की, और इसके बाद हो जनजाति वहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जिसके पक्ष में हो जनजाति का वोट जाता है, अमूमन देखा गया है कि वही वहाँ से सांसद हुए हैं, चाहे वो बागुन सुमरई हो, 4-5 बार वहाँ से सांसद रहे हो जनजाति से, गीता कोड़ा, मधु कोड़ा हो जनजाति से है, तो अब गीता कोड़ा भी हो जनजाति से है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि गीता कोड़ा के सामने क्या टिक पाएंगे, क्योंकि गीता कोड़ा मोदी के वेब में पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में, जब पूरे देश में मोदी की लहर चल रही थी, उस लहर में भी कांग्रेस पार्टी को सीट दिलाने वाली गीता कोरा ही थी। अब इस बार जोबा मांझी, जो संथाल आदिवासी आती हैं, उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां से टिकट दिया है, और संथाल आदिवासी होने के कारण से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के भीतर भी ये चर्चाएँ आम हैं कि जब 3-3 संथाल आदिवासी को टिकट दिया गया है, 3 सीटें रिजर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में आई हुई है, और ऐसे में तीनों ही सीट पर अगर संथाल आदिवासी को ही दिया जाएगा, तो अन्य आदिवासी चाहे वो हो मुंडा हो, ये कहाँ जाएंगे, या फिर उरांव हो, ये कहाँ जाएंगे, ये भी सवाल उठने लगे हैं। अब
हो जनजाति का सपोर्ट किसको मिलता है, दामोदर सिंह हांसदा को मिलता है या फिर गीता कोहरा को मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अगर चर्चा नाम की बात करें तो गीता कोहरा और जोबा मांझी के चेहरे के समक्ष दामोदर सिंह हांसदा कहीं टिकते नजर नहीं आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दुमका संसदीय क्षेत्र की। दुमका संसदीय क्षेत्र में गुरु जी की बड़ी पुत्रवधु सीता सोरेन मैदान में भारतीय जनता पार्टी से, गुरु जी के साथ कंधे में कंधा मिलाकर आंदोलन करने वाले नलिन सोरेन जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, 7 बार के सांसद हैं शिकारीपारा से, 3 बार की माफ कीजिएगा 7 बार के विधायक हैं शिकारीपारा से, और सीता सोरेन तीन बार की विधायक हैं, नलिन सोरेन 7 बार के विधायक हैं शिकारीपारा से और सीता सोरेन 3 बार की विधायक हैं जामा विधानसभा क्षेत्र से। अब उनके सामने बेबी लता टुड्डू को दिया गया, बेबी लता टुड्डू का नाम कोई नहीं जानता है। तो क्या ये जो फील्डिंग हो रही है, ये जो पिच तैयार किए जा रहे हैं टाइगर जयराम के द्वारा, कहीं ये पिच आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख के तो तैयार नहीं किया जा रहा है। इसके बाद आप देखें धनबाद की मैंने चर्चा कर ही दी, अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसी भी संगठन को चुनाव लड़ने के लिए पंचायत स्तर पर प्रखंड स्तर पर जो है सो संगठन को बनाना पड़ता है। अब जेल कैंप की अगर हम बात करें तो रांची, चतरा, सिंहभूम, दुमका 8 में से 4 जगहों पर जो है सो इनका प्रखंड स्तर पर संगठन नहीं है, पंचायत की तो बात छोड़ दीजिए। हजारीबाग में ब्लॉक स्तर पर है, वहां भी पंचायत स्तर तक संगठन नहीं पहुंच पाया है। एकमात्र सीट गिरिडीह है जहां पर कि जेल केम का संगठन पूरी तरह से पंचायत स्तर तक काम कर रहा है, मजबूत है। बाकी धनबाद हो, चतरा हो, दुमका हो, रांची हो, हजारीबाग हो, कोडरमा हो, सिंहभूम हो, इस जगहों पर संगठन जो है सो जिस तरह से अन्य दलों का, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का हो, उस तरह का संगठन नहीं है। क्या बिना सिपाही के इस रण को जीत पाएंगे जयराम? क्या जयराम अपने आप को स्टेबल करने के लिए लोकसभा चुनाव में 8 प्रत्याशी दिए हैं? राजनीतिक गलियारे में ये चर्चाएं आम हो चुकी हैं। कई जगह तो ये भी कहा जा रहा है कि जो दृश्य सामने आ रहे हैं कि कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है कुछ सीटों पर कि कहीं कोई सेटिंग गेटिंग तो नहीं हो गया है प्रत्याशी को देकर के, क्योंकि अमूमन ये होता है कि कैंडिडेट जो भी होते हैं वो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए किसी और दल के कैंडिडेट को ये करते हैं। और धनबाद में तो ये चर्चा जे एल के एम के लिए कि आम है कि जो अखलाक अहमद को जो वहाँ से टिकट दिया गया है उसके बाद से ही जो है सो वहाँ पर यह चर्चा हो रही है। आखिर वजह क्या रही है जयराम महतो की पार्टी की, जेएलकेएम की, जो उन्होंने टिकट जो है सो वहाँ से धनबाद से अखलाक अंसारी को दिया है, जबकि वहाँ पर रिजवान जैसे नेता थे जेएलकेएम के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं जेएलकेएम के। इसके अलावा करण महतो हैं, वो भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट नहीं देकर के अखलाक अंसारी को टिकट दिया गया है। इसके पीछे क्या वजह है ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा तो ये जा रहा था कि कुछ दिनों पहले ढुल्लू महतो और जयराम महतो की भेंट हुई थी, दोनों ही अपने आप को अपने नाम के आगे टाइगर रखते हैं, एक तो टाइगर सेना ही चलाते हैं ढुल्लू महतो और एक टाइगर हैं जयराम महतो, अपने नाम के आगे टाइगर लगाते हैं। और उन्होंने जो JBKSS जो उन्होंने बनाया था झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, उसमें अगर लोगो आप देखेंगे उसमें टाइगर का लोगो उन्होंने डाला था। अब सवाल ये उठ रहा है कि उस जो मीटिंग हुई थी उसमें कहीं कुछ और ही तो बातें चर्चा नहीं हुई थी, क्योंकि ढुल्लू महतो के सामने भी चुनौती है। ढुल्लू महतो को 3 बार के सांसद और सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले सांसद झारखंड में PN सिंह का टिकट काट के ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया है, जबकि ढुल्लू महतो का विधानसभा क्षेत्र धनबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं पड़ता है। ढुल्लू महतो का विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसके बावजूद दिया गया है टिकट ढुल्लू महतो को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और लगातार जिस तरह से अंदरूनी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में ढुल्लू महतो को लेकर, भले ही ढुल्लू महतो विधायक के साथ जाकर मिलकर, चाहे वो धनबाद के विधायक राज सिन्हा हो, निरसा के विधायक हो या सिंदरी के विधायक के घर में जाकर के मिल करके वो तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हो, लेकिन
सच्चाई है कि आग लगी हुई है धनबाद में और भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर ही आग लगी हुई है, और इस आग में कौन झुलसता है, इस आग में तपकर ढुल्लू महतो बाहर निकलते हैं, सांसद बनते हैं, या फिर इस आग में और कोई जलता है और दूसरी पार्टी जलती है, ये तो चुनाव परिणाम 4 जून को ही पता चलेंगे। लेकिन इस बीच जो जयराम की पार्टी कैंडिडेट को लेकर के जो चर्चाएं हो रही है और ढुल्लू जयराम के मिलन को लेकर के जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा जो है सो एक नए नेता जिन्होंने कि एक बड़े मुद्दे को लेकर के झारखंड में आंदोलन किया, एक ऐसे नेता जिन्होंने पैदल मार्च करके जो है अपने अस्मिता को लेकर के, स्थानीयता को लेकर, भाषा को लेकर के आंदोलन किया, उस नेता की पार्टी में अगर इस तरह की बातें आनी शुरू हो जाती हैं तो सवाल तो उठने लाजमी हैं। और ऐसे में ये देखना है कि जयराम ने जो पहली मर्तबा चुनाव मैदान में जो पार्टी उतरी है JLKM, और जिसके सुप्रीमो जयराम महतो है, टाइगर जयराम महतो हैं, 8 सीटों पर वो पहली मर्तबा चुनाव में आए हैं, 8 सीटों पर 14 में से कैंडिडेट उतारे हुए, और जानकारी मिल रही है कि हो सकता है वो खूंटी संसदीय सीट से भी प्रत्याशी का ऐलान कर दें, प्रत्याशी को उतार दें। तो ऐसे में अगर हो जाता है खूंटी संसदीय सीट भी, तो 9 सीटों पर तो भाजपा के बाद सबसे ज़्यादा टिकट देने वाले पार्टी के रूप में जयराम महतो की पार्टी JLKM आ जाएगी। तो ऐसे में अब परिणाम क्या होगा और ये क्या साबित होगा, ये चुनाव परिणाम के बाद ही सामने आएगा कि क्या खेला बिगाड़ने के लिए अन्य दलों का खेला बिगाड़ने आए थे जयराम महतो, या खुद का खेला, अपने ही खेला वो बिगाड़ लिया 8-8, 9-9 कैंडिडेट दे करके, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जो भी हमारी त्रुटियां हो, जो भी हमारी अच्छाई हो कमेंट करें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें बढ़ावा देने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।